सलामैकुम हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तो ये है दिवाली लुक जो मैंने क्रिएट किया है आप लोग के लिए बहुत जल्दी जल्दी मैं क्रिएट किया है तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ब्लैक थम को ब्लू कर देना और कमेंट सेक्शन में भी मैंशन करना कि आपको कैसा लगा एंड अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ डू नॉट फर्गेट टू तो सब्सक्राइब तो बिना टाइम वेस्ट किए चल ये देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक क्रिएट किया है तो so, सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए क्लिनिक uh, मॉइस्चराइजर यूज़ किया है बिकॉज uh, ये बहुत ज्यादा हाई एंड इट इज वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन सो आई विल फर्स्ट मॉइस्चराइज माई फेस वेरी नाइसली बिकॉज अगर मैं मॉइस्चराइज अच्छे से करूँगी अभी विंटर सीजन है तो थोड़ा सा ना फेस केकी केकी हो रहा है तो अगर अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी तो मेकअप भी अच्छा होगा एंड देन इवन आई मॉइस्चराइज माई लिप बाई बेबी लिप्स ऑफ मे बेन एंड टू प्रेप माई स्किन आई एम यूजिंग एन वाई बे का प्राइमर जो कि बहुत ही अच्छा प्राइमर है दैट गिव्स मी अ वेरी मैट फिनिश लुक एंड ईजीली मेकअप ब्लेंड करता है सो आई एम गोन यूज़ दैट प्राइमर एंड टू करेक्ट माई फेस बिकॉज थोड़े से डार्क स्पॉट्स है मुझे और कुछ पिम्पल्स के न्यू स्पॉट्स हैं तो उसके लिए आई एम यूजिंग ऑरेंज करेक्टर टू करेक्ट माई फेस एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन आई एम गोन यूज फिटमे का फाउंडेशन ये आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन थोड़ा सा कि है इवन आई दो हैव अ ऑयली स्किन फिर भी ये बहुत ज़्यादा केकी हो रहा था एंड देन अगेन आई यूज़ अ मे ब्लैन का कंसीलर टू कंसील एंड हाईलाइट माई अंडर आई माई नोज एंड माई लाइक चिन एरिया एंड साइड ऑफ माई लिप्स एंड इवन माई फोर हैंड एंड इवन अगेन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की वजह uh, मतलब हेल्प से अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी and then I'm using sugar शुगर का brow pencil and to this is the first time जब मैं video में मेरे brows को with brow pencil कर रही हूँ तो आप लोग को ये भी मुझे प्लीज कमेंट में बता देना कि कैसा लगा था एंड ये ब्राउ पेंसिल में एट द बैक देर इज अ स्पूली विद द हेल्प ऑफ दैट आई हैव इवनली स्प्रेड my प्रोडक्ट एंड नाव मैं शुगर का बनाना पाउडर ले रही हूँ टू सेट माई आई बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैं पहले आई मेकअप करूँगी एंड नाव विथ ट्रांजेक्शन शेड मैं क्रीज uh, कट करूंगी मेरे आई के एंड देन हुदा ब्यूटी पैलेट में से शाई शेडिंग बिकॉज इट इज़ अ लाइट पिंक वो मेरे आउटर वी पे लगाऊँगी एक्चुअली मेरा ड्रेस पर्पल है तो आई वॉन्टेड अ पर्पल शेड बट था नहीं तो इसीलिए आई यूज अ पिंक एंड देन शुगर के पैलेट में से सिल्वर कलर का शेड लूँगी एंड आई अप्लाई इन द मिडल ऑफ माई आईज एंड द इनर कॉर्नर ऑफ द आईज टू गिव अ शिमरी लुक एंड uh, उसी ही पैलेट में से गोल्डन शेड में यूज करूँगी मेरे ब्राउ बोन्स को हाई करने के लिए एंड इनर कॉर्नर ऑफ आईज को हाई करने के लिए एंड देन मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे वेस्टिज का लाइनर नॉट रियली गुड लाइनर इट्स लाइक ओके ओके बट बिकॉज मेरे पास कुछ लाइनर नहीं था खत्म हो गया था तो मैंने वो यूज कर लिया एंड यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ शुगर का आईब्रो पेंसिल टू डू माई लोअर लैश एंड फॉर माई लैशेज आई एम डूंग आई एम यूजिंग मस्कारा ऑफ रेवलॉन एंड देन वही ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने फेस को सेट कर लूँगी एंड जो भी एक्सेस रहेगा ऑफ मतलब जो आई मेकअप का फॉल था उसे सबको क्लीन कर लूँगी एंड देन शुगर का आई पैलेट में से ब्राउन कलर विच इज द बेस शेड उसको मैं एज अ ब्राउजर यूज करूँगी टू गिव अ गुड लुक और वी कैन से कट लुक टू माई फेस एंड देन आई एम यूजिंग रिमल लंडन का ब्लश विच इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट ब्लश तो दैट आईम गो नूज द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ब्लश इज़ कि इसको आप बिल्ड कर सकते हो ये ज़्यादा पिगमेंटेटेड नहीं है तो इसको बिल्ड कर सकते हो आप इजीली एंड देन उसी शेड में से पैलेट में से गोल्डन शेड लूँगी फॉर हाई लाइटिंग माई फेस तो विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर आई एम हाई लाइटिंग मैं विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट फैन ब्रश एंड आई डोंट वॉन्ट टू यूज ब्लश वाला ब्रश तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिंगर से कर लेती हूँ एंड बाई द वे माई हैंड्स आर सैनिटाइज एंड आई एम यूजिंग इट मीनस लाइक प्रॉपर हाइजीन फॉलो करके आई एम यूजिंग माई फिंगर एंड फॉर लिपस्टिक आई एम गोना यूज़ शुगर का मिनी लिपस्टिक इन द शेड रेड मुझे कोड याद नहीं है आईल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दिस इज द फाइनल लुक Uh, so if you like my video, please like, share and subscribe to my channel because this means a lot. Thank you. Bye-bye. Take care.